हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रशांत। और भाई अभी हम देखो कहाँ खड़े हैं। पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ खड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये देखो, पीछे यहाँ पर वर्क चल रहा है हायाबुसा के अंदर। तो गाइस ये तीसरी बार है जब हायाबुसा का जो फ्यूज़ है वो उड़ चुका है। और इसी बाइक में, सिर्फ और सिर्फ इसी बाइक में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ये पता नहीं क्यों हो रहा है। और अभी हम नैनीताल से वापस जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो बीच रास्ते में ये देखो कहाँ पे, जहाँ पे कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, और बाइक का फ्यूज़ उड़ चुका है। पहली बार उड़ा था मॉल रोड पे, बट मॉल रोड पे तो था इसका एक हमारे को मैकेनिक मिल गया था। फिर दूसरी बार अभी थोड़ी देर पहले उड़ा था, उसमें भाई का खुद का हायाबुसा, इस वाली हायाबुसा का हमने स्पेयर फ्यूज़ यूज़ किया। भाई बूसा की चल रही है खोला खाली। रोहित भाई की बाइक का उड़ गया फ्यूज़ दूसरी बार, दिखाता हूँ। कोई फ्यूज़ होता है इधर जो कि इस डिब्बी में, ये वाला छोटा सा आप देख रहे हो ना, ये वाला फ्यूज़ उड़ गया और ये दूसरी बार हुआ है। तीसरी बार उड़ा तो मेरी Z900 का, नई Z900 का हमने स्पेयर निकाला है, क्योंकि भाई देखो हेल्प तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, हम जंगलों में ही हैं बीच में बिल्कुल। ये खुल गया यहाँ से, ये खुलना है एक, आपको एक यहाँ ये वाला खोलना है, खुल चुका है। देखो ये जो होता है, देखो ये भी खुल गया, ठीक है। अब हमें ये चार, अब हम ये खोलने हैं, हमें लॉक होते हैं इसके, दबा दिए ऐसे, नीचे की साइड से हाथ डालोगे ऊपर करोगे लॉक बाहर आ जाएंगे। ये पीस अलग हो जाता है, एक आपको ये खोलने की जरूरत पड़ेगी बस लास्ट। और ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं यार, हमारे साथ टाइम तो खराब हुआ था कल तक, हमें भी नहीं पता था, कल पूरा दिन इसके चक्कर में हमारा ख़राब हुआ, बट यार आज नहीं होने देंगे, अब तो घर जाके रहेंगे यार, टाइम हो गया। लेकिन इन्फॉर्म जरूरी है यार, क्योंकि किसी के भी साथ हो सकता है, वो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, अगर समझना है। अगर किसी को पता नहीं होगा तो आदमी खड़ा रहेगा तो भाई। और ये फ्यूज गाड़ियों में भी मिलता है, अगर बाइक पर अगर आपके पास ना हो तो किसी गाड़ी को रुकवा लो, व्हीकल को रास्ते में रोक लो, मारुति वगैरह उनमें आगे फ्यूज बॉक्स लगा होता है, इसमें से फ्यूज निकाल कर आप इसमें वही लगा सकते हैं 30 एम्पियर। चलो ठीक है यार, इन्फॉर्मेशन ये रही, अब ये दिखा दो यहाँ होता है फ्यूज का है, फ्यूज ये रहा, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ऐसे उठाना पड़ेगा, ये रहा ठीक है, उसके बाद ये रहा फ्यूज, ये हरा हरा सा जो हरा हरा दिख रहा, ठीक है। इस ये कवर में होता है, ये कवर होता है इसका, ये निकालोगे लॉक, इसमें एक एक्स्ट्रा भी आता है स्पेयर, बट ये खराब हो चुका है मेरा, तो मैं इसको इसलिए यहाँ रखा हुआ है, और मैं इसको निकाल देता हूँ। यार इन वायर की वजह से तो नहीं हो रहा कुछ? हाँ यार करो, फ्यूज निकला नहीं अभी, निकल गया, लगा भी दिया भाई, अब देखो लगा दिया, क्या बात है, कहाँ लगा एक बार दिखाओगे? अब मैं नट नहीं लगा रहा इसका, सिर्फ ये लगा रहा, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये रहा, ये लग रहा है, ठीक है, ये है फ्यूज भाई। और देखो बाइक भाई, भाई एक बार दिखाना, स्टार्ट हो गई, अब ये इसमें करंट आ गया, अब देखो इसमें करंट आ गया, तो ये बार बार चलते चलते ऑटोमेटिक ये चीज बंद हो रही है इसकी, और बार बार उड़ जा रहा है। इस वाली बाइक का भी स्पेयर यूज हो गया है, इस वाली बाइक का भी स्पेयर यूज हो गया है, अब हमारे पास कोई स्पेयर नहीं बचा है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास कोई स्पेयर नहीं बचा है ना, तो आप किसी भी गाड़ी वाले को रोक कर उससे स्पेयर ले सकते हो, कोई भी गाड़ी वाले में। 30 वॉट का होता है, कितने का ये? 30 एम्पियर। 30 एम्पियर, ठीक है। सो 30 एम्पियर का आपको ये लगाना पड़ेगा इसमें, अगर ये दिक्कत आती है तो, बार बार बंद हो रही है तो एक बार, ठीक है। तो अभी हमने रिप्लेस कर दिया है, करंट आ गया है, तो बाइक ठीक हो चुकी है। अब सीधा चलते हैं आगे और देखते हैं, और मैकेनिक, अभी हम जा रहे हैं मैकेनिक पे, बेसिकली ये सारे 3-4 हम फ्यूज़ ले रहे हैं अपने पास स्पेयर रहने के लिए। तो ठीक है भाई, बस ये इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए।